Hello students, welcome to my channel The Stimulant. My name is Saeed Farman and I am first year MBBS student in GMC. In today's video, we are going to discuss about can we predict a NEET paper? What are the strategies, what are the ways that we have to follow to get an idea about the paper that we are going to face in our NEET exam? Okay, I will be discussing this in different subtopics. सपोज पहला ही जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, इफ यू हैव जस्ट वॉचिंग एनी वीडियो दैट टेल्स यू दैट यू कैन क्रैक नीट इन 3 months, सो प्लीज आई सजेस्ट यू उसको मत देखो, वो आपको उससे टाइम वेस्ट होगा. ऐसा नहीं होता है, नीट 3 months में क्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल समझो. ठीक है, अगर आपने अभी तक पढ़ लिया है, इफ यू हैव स्पेंड योर टाइम ऑन द स्टडीज एंड यू नाउ हैव revise it once or twice, then आपको भी पता होगा कि अभी पता चल गया होगा कि कितना tough है. ठीक है, कितना पढ़ना है, अभी इतना पढ़ के भी मुझे क्यों इतना कम score आ रहा है. ठीक है, इतना पढ़ के भी अभी क्यों properly मैं cope नहीं कर पा रहा हूँ जो normal test series होती है. तो ये tough है, लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ा है, revision उस पर focus किया है and previous year को आपने अच्छे से किया है, तो आपके लिए easy है. Suppose talk about the paper. What about the NEET paper? Suppose NEET paper में आपको questions जो मिलेंगे, आपके पास बुक है, सपोज आपके पास टेक्स्ट बुक है, 11th 12th की टेक्स्ट बुक है, उनसे पेपर निकालना है. ठीक, नाउ द क्वेश्चन मेकर और जो क्वेश्चन बनाते हैं वो क्वेश्चन कहां से लाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन दैट ही इज गोइंग टू मेक, ठीक है, मस्ट बी मेड बिफोर. व्हाई? बिकॉज द सेम बुक, दे आर द सेम मटीरियल, दे आर द सेम कंसेप्ट दैट जो क्वेश्चन जिसपे बनाने हैं. ठीक है ना, सपोज अभी तक लास्ट 20 इयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं. ठीक है, अब कोई आज नया एग्जामिनर, नया क्वेश्चन मेकर वो बुक उठा रहा है और वहां से क्वेश्चन बनाता है, तो ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन रिलेवेंट होगा जो इससे पहले पूछा गया है. दैट्स फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, जो क्वेश्चन मेकर होता है, जो क्वेश्चन फॉर्म करता है, जो क्वेश्चन फॉर्म करके उनको दे देता है, ठीक है, वो ये नहीं चाहता कि मेरा क्वेश्चन ऐसा हो जो स्क्रीनिंग में फेल कर जाए. सपोज देयर इज स्क्रीनिंग आफ्टर क्वेश्चन टू सिलेक्ट क्वेश्चन, देयर इज अ स्क्रीनिंग प्रोसेस इन विच क्वेश्चन आर इवैल्यूएटेड एंड देन सिलेक्टेड. ठीक, मोस्ट क्वेश्चन आर रिजेक्टेड देयर बिकॉज ऑफ वन और अदर रीजन. सपोज अगर उनको क्वेश्चन सिलेक्ट करना है तो उनको पहले उसकी ऑथेंटिसिटी देखनी है, क्या क्वेश्चन ठीक है, एक्यूरेट है, इसके आंसर से क्या इसमें कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है, अगर नहीं हो सकती हाँ तो फिर क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है. ठीक है, तो ये डिफिकल्ट प्रोसेस है. तो क्या किया जाता है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मेकर्स वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाते हैं. ठीक है, या तो उन क्वेश्चंस को मॉडिफाई करते हैं, या वैल्यूज चेंज करते हैं, या उनमें किसी और टाइप का कंसेप्ट ऐड करके उसको एक अलग क्वेश्चन बनाते हैं, या कुछ थ्योरेटिकल पार्ट ऐड करते हैं, कुछ थ्योरी रिमूव करते हैं. मतलब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही बनाया जाता है. ऑलमोस्ट आई थिंक 80-90% क्वेश्चन आर समवट रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक, अब मैं नहीं बोलूंगा कि वही डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, यू मे फाइंड इट डिफरेंट, बट दैट इज ऑलमोस्ट रिलेटेड टू द प्रीवियस वन. Suppose you will find different options, entirely different options. Because ऊपर क्या किया जाता है, एक थोड़ा सा एक concept ऊपर में add किया जाता है, तो option change हो जाएंगे, लेकिन question वही है. ठीक है, you have to just add a formula. बाकी वही वाला question ही, वहां से भी आप उसको easily crack, उसको solve कर सकते हो. तो इसके लिए दो चीज आपको करनी है. First one, आपको last 10-20 years के जो भी need में questions आए हैं वो आपको solve करने हैं. ठीक, दिस इज नॉर्मल प्रोसेस, इसमें नया कुछ नहीं है. जाके क्वेश्चन लेने हैं, सॉल्व करने हैं नॉर्मल वे में. कोई भी बुक ले लो जो इसके लिए आती है, दिशा की आती है या MTG की आती है, रिहांत की आती है, जो भी आपको पसंद है. ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स AIPMT के भी होंगे, पहले AIPMT हुआ करता था, ठीक है, उसके बाद नीट आ गया, तो नीट के भी होंगे, जिसके भी होंगे, सब लाओ. ठीक है, लास्ट 10-20 years, देन यू वुड फाइंड दैट इन सम क्वेश्चंस यू स्टक, यू आर मेकिंग मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन. वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जहां पे आपको लगता है ना कि यहां पे मैं मिस्टेक कर रहा हूं, मैंने पहली बार क्या मैंने मिस्टेक की, सेकंड बार क्या मैंने मिस्टेक की, तीसरी बार क्या मैंने मिस्टेक की, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जामिनर का जो आपके लिए क्वेश्चन बना रहा है, जो आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा है, उसका भी यही मकसद होता है कि मैं आपको गलत करवाऊं क्वेश्चन. मतलब जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है वो ट्रिकी है, एंड ट्रिकी क्वेश्चन आर हमेशा वही क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पेपर में, क्योंकि आपको क्वेश्चन गलत करवाने हैं, यही मकसद है. क्योंकि 16 लाख स्टूडेंट्स आ रहे हैं नीट देने, एंड आपको चाहे कितने चाहिए, ऑलमोस्ट 1 लाख. ठीक, तो आपको क्वेश्चन गलत करवाने होते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं. तो जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से गलत होते हैं, अगर वही क्वेश्चन या उसी कंसेप्ट पे उसी क्वेश्चन को चेंज करके क्वेश्चन बनाया गया,
तो आपको वो भी गलत हो जाएगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है, क्या करना है हमें उसके लिए, यू हैव टू गेट अ नोटबुक एंड आपको वो क्वेश्चन उस पर लिख देना है, ठीक है। यू हैव टू राइट दैट क्वेश्चन ऑन दिस एंड देन सोल्यूशन ऑल्सो, सोल्यूशन भी लिख दिया। आपको फिर क्या करना है, जो पार्ट में मिस्टेक करते हो उसको हाईलाइट कर लो, बस रख लो, ठीक है। देन यू हैव टू रिवाइज इट आफ्टर टू डेज और थ्री डेज कंटिन्यूअसली, सपोज दो दिन के बाद, फिर नेक्स्ट दो दिन के बाद, नेक्स्ट दो दिन के बाद इन क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। सपोज आपको आते हैं 50 क्वेश्चंस, तो 50 क्वेश्चंस नॉट बुक दैट यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट, इट मे टेक योर हाफ एन आवर ऑलमोस्ट और सपोज वन आवर। सो अगर आप लेकिन ये क्वेश्चन सारे कर रहे हो तो आपका जो ट्रिकी वाला पोर्शन है, जो क्वेश्चन आपसे ट्रिकी कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये था पहला पॉइंट जो था प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेसिस पे, मतलब आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं एंड जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है या जो आप सॉल्व कर रहे हो बार बार कहीं पर्टिकुलर पॉइंट पे गलत कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों गलत हो रहा है, ठीक है, तो उसको सोल्यूशन देख लो, सोल्यूशन उसका चेक करके उसको एक नोटबुक पर रखो, उसको आप मिस्टेक बुक भी रख सकते हो, नाम जो आपको याद अच्छा लगे, ठीक है, एक छोटे से पेपर पेपर बैंक ला सकते हो, उस पर लिख सकते हो, जैसा आप बेटर आपको फील हो, ठीक। तो ये था पहला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट नीट पेपर की डिफिकल्टी के बारे में, इस साल डिफिकल्टी ज्यादा होगी या कम होगी हम नहीं जानते, ठीक है। पेपर मॉडरेट लेवल ही हमेशा होता है, मतलब अगर आपको टाइम दिया गया है, सपोज आपको 13 मंथ्स 14 मंथ्स का टाइम मिला है प्रिपरेशन के लिए, तो पेपर उसी अकॉर्डिंग आ जाता है। ये नहीं कि सपोज आपको अब किसी बैच को सपोज 5 मंथ मिले प्रिपरेशन के लिए, तो पेपर थोड़ा सा इजी किया जाता है उनके लिए, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। तो नाउ आपको क्या कर रहे हैं, अभी पेपर आई थिंक लास्ट वाली लेवल ही रहेगी, लास्ट ईयर की लेवल जो थी ऑलमोस्ट उसी के आसपास रहेगी, लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ा दिया गया है तो सिल्ली मिस्टेक्स के चांसेस कम है, कम क्वेश्चन गलत होंगे, वो मसला है, मतलब कि अभी तक अगर सिल्ली मिस्टेक्स होने के चांसेस 10 क्वेश्चन के थे, अब वो कम होकर 7 या 6 पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि टाइम बढ़ गया, आपको ज्यादा टाइम मिलेगा क्वेश्चन को पढ़ने में, तो आप वहां पे गलती नहीं करोगे, तो ये कंपटीशन बढ़ा सकता है, ठीक है ना, क्या टाइम बढ़ गया तो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट सीट्स को निकाला, ठीक है, ऑलमोस्ट 23,000 सीट्स एड होगी गवर्नमेंट पूल में, ठीक है, तो वहां से कंपटीशन वापस कम हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट आप चल के मान के चल सकते हो कि लास्ट ईयर का ही रहेगा, ठीक है, जो लास्ट ईयर का रहा 2021 का वही ऑलमोस्ट उसी के आसपास ही इस साल का भी रहेगा, अगर नॉर्मल भी ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है, और अगर पेपर भी उसी के अकॉर्डिंग जो उसी के लेवल का आ गया। उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज जो है वो रिविजन है, रिविजन आपको टेक्स्ट बुक के करने हैं, टेक्स्ट बुक की लाइन लाइन आपको पढ़नी है, ठीक है, याद होनी चाहिए आपको, इवन के डायग्राम्स वो भी इंपॉर्टेंट है, अगर डायग्राम आ गई तो आपको पार्ट्स ही नहीं पता तो क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन, ठीक, तो डायग्राम भी आपको पढ़नी है एंड प्रीवियस ईयर पे फोकस करके मिस्टेक बुक जो है आपकी उस पर आपको वो क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो गलत होंगे वो ट्रिकी वाले क्वेश्चन गलत होंगे, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चन पे फिर से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ठीक है ना, अगर इफ वो फॉलो करते हो, इफ यू फॉलो दैट आपको इजिली आई थिंक यू कैन प्रेडिक्ट द क्वेश्चंस 50-60 क्वेश्चन आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो, जो आपको मतलब वहां पे जाओगे आपको पता ही होगा, हाँ ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। अब पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं, सपोज कोई चैप्टर है, ठीक, उस चैप्टर में से आप देखोगे पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है। अब पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ कंसेप्ट है जिन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किए जाएंगे, इस टॉपिक पे क्वेश्चन फिर से आएगा, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है ताकि इससे क्वेश्चन ना छूट जाए, क्योंकि वो पहले ही पता है आपको उसको क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके पास सर्टेन ही होते हैं, आप जिनके बारे में सर्टेन नहीं होते सपोज क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है कि इस पार्ट से तो पूछते ही पूछते हैं, ठीक है, हर साल पूछते हैं, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस वाले क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, उसको अच्छे से करना है, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, ये हेल्प करेगा हमें नीट क्रैक करने में। तो ये हो गया, ऐसे आप अगर आप चाहो तो ऐसे आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हो, ठीक है, आप सिल्ली मिस्टेक्स कम कर सकते हो और आप नीट के जो क्वेश्चन से थोड़ा सा आपको वहां पे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने पहले 10 क्वेश्चन में से अगर आपको 2-3 लगे कि ये तो मैंने पहले ही जो पता था ये क्वेश्चन आ जाएंगे, तो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि हाँ मुझे बाकी क्वेश्चन भी आ जाएंगे, एंड वो इंपॉर्टेंट होता है वहां पे, वो फैक्टर भी मैटर करता है। तो आज का वीडियो पर्टिकुलरली इसी चीज के लिए था कि आपको कैसे लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो सॉल्व करने हैं, जो नहीं आता उसको मिस्टेक बुक में लिखना है और उस मिस्टेक बुक को रिवाइज करना है 2 डेज आफ्टर 3 डेज आफ्टर 4 डेज।
जो आपको कन्वीनियंट लगे देख, लेकिन ऐसा नहीं कि बना के रख दी फिर लास्ट के दिन देखोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या था कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाएंगे या मॉडिफाई करके या थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट ऐड करके, रिमूव करके, चेंज करके, कुछ ना कुछ करके क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस करना है। एंड टेक्स्ट बुक फिर भी पढ़नी है, आप क्वेश्चन कर रहे हो ना कर रहे हो फिर भी पढ़नी है। क्यों? क्योंकि जो नया क्वेश्चन है, जो 10% वाले क्वेश्चन आ जाएंगे जो नए हैं, वो तो टेक्स्ट बुक से ही बनाने हैं। ठीक है ना, तो डिफिकल्टी लेवल मेंटेन की जाती है पेपर में। ये नहीं कि पेपर को पूरा डिफिकल्ट बनाया जाता है या पूरा ईजी बनाया जाता है, नहीं, डिफिकल्टी लेवल मेंटेन होती है। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ ईजी होते हैं, ताकि पेपर बैलेंस हो। तो आज की वीडियो में ये लगता है इतना आज रहने देते हैं। छोटी सी वीडियो थी आपके लिए, ये पॉइंट्स कुछ डिस्कस करने थे तो मैं आ गया आपके लिए। बाकी नहीं अगर चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है। अगर आपको वीडियो वर्थ लगा तो लाइक का बटन भी प्रेस करना है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।